बहुत अपने बॉयफ्रेंड को बुला के बहुत सारा गुंडा को बुलाई थी, नामी नामी क्रिमिनल सब आया था। कि अभी मैं कटिहार के एक नंबर कॉलोनी में हूँ और यहाँ पे एक दिल दहला देने वाली घटना हो गई है। जब रिश्तों में करवाहट आती है तो वो कहीं ना कहीं बड़ा रूप लेती है। ऐसा ही एक घटना देखने के लिए मिला है कटिहार का एक नंबर दुर्गा आस्थान कॉलोनी के पास। यहाँ कल एक वारदात हुई है जो काफ़ी मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। ये मोहल्ला एक नंबर कॉलोनी है और यहाँ पे कल एक नाबालिग लड़की जिसका नाम सोना है, जिसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है, उसकी हत्या कर दी गई और हत्या बहुत बेरहमी से की गई है। बताया जा रहा है कि मामला जो है कुछ अटपटा सा मामला था, घर की बहू का किसी अन्य के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से जो घर की बेटी थी वो उनका हमेशा विरोध करती थी और काफ़ी समय से आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा था और भाभी और ननद में हमेशा झगड़ा होते रहता था। ननद के अनुसार भाभी का किसी अन्य लड़के के साथ गलत अफेयर था और पिछले 2 सालों से वो लगातार इस अफेयर से जूझ रही थी। मामला सुलझ नहीं रहा था और कल ये मामला बड़ा रूप ले लिया। यहीं पे बताया जा रहा है कि जो सोना नाम की लड़की है, घर खाली होने की वजह से जो बदमाश थे उन लोगों को बुला करके इसकी हत्या करवा दी गई है। तो हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। नाम सूरज है। सूरज क्या नाम है? सूरज शाह। सूरज शाह है। हाँ, ममता तो कुमारी है। ममता कुमारी सूरज शाह। हाँ, ममता कुमारी इस घर की बहू थी। हाँ, बहू थी। केशव है और कौन कौन है, मतलब केशव है और नाम कुंदन शाह है, नाम बताओ। नहीं जो कल जो आया था मारा है उसमें केशव शाह था, चंदन शाह था। केशव शाह का घर है मनिया, बाप का नाम विनोद शाह। चंदन शाह का घर है रामपारा, बाप का नाम दिनेश शाह। और एक आदमी आया था, उसको मेरा भगना नहीं पहचाना क्योंकि 21 तारीख को लोग आया था मार करने के लिए, तो मेरा भगना पहचान लिया, बोला मामा वही दोनों लड़का है। और एक और लड़का था, हाँ, शुभम चौधरी जो सट फाड़ा है। 3 लड़का था टोटल, बाद में मेरा भगना बताया। जब ऐसी समस्या चल रही थी, आपके घर में तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो क्या आपने इसका निपटारा करने का नहीं सोचा? केस नहीं ली हम लोग गए ना, तो हम लोग लड़का वाला है ना, लड़की वाला का सुना गया। अगर पुलिस हम लोग का केस लेती ना तो आज ये हाल नहीं होता। हम लोग केस पहले हम लोग गए, हम लोग का केस को पीछे कर दिया उन लोग से, और उन लोग का केस उन लोग बाद में गए, तो उन लोग का केस पहले कर दिया गया। बहन को घर में घुस के मारा तो बोलता है यहाँ पति पत्नी का केस लेते हैं, लड़की का नहीं लेते। तो रेप, मेरी बहन बोली रेप हो जाएगा तब, हाँ रेप हो जाएगा तब आना महिला थाना ऐसे, हाँ महिला थाना दुर्गा बोली रेप हो जाएगा तब आना। करीजन क्या, पहले भी कोई विवाद हुआ था क्या? पहले विवाद नहीं, उसका भतीजा चक्कर है, वो यहाँ रहना नहीं चाहती है, बाप भेजता है जबरदस्ती, वो किसी तरह कोई झगड़ा करने का बहाना खोजती है और चल जाती है। और इस बार वो क्या कि उसके पिता को हम लोग फ़ोन किए कि देखिए ऐसे ऐसे बदमाशी कर रही हो, तो वो क्या कि झट से मोबाइल चुरा के रखती है, निकाली फ़ोन किए, वो अपने पिता को नहीं करके सूरज शाह को किए, अपनी भतीजा जो से जिसके चक्कर है उसका। इतनी बड़ी सोसाइटी है और कल दोपहर की घटना है, तो बहुत सारे लोग नहीं, मोहल्ला एकदम अच्छा नहीं है। 21 तारीख को भी घटना हुआ था, इस मोहल्ला में सब तमाशा देखा, जैसे फिल्म चलता है ना, लड़ाई हो रहा था यहाँ पे, लड़ाई हो रहा था। मेरा कोई नहीं आया, मेरा छोटा भाई को 25 आदमी मिल के मारा था, वही केशव शाह लोग चंदन शाह। इसी मैटर की वजह से मारपीट हुआ था, इसी मैटर के वजह से जो मेरी बहन को जो मारा था ना, वो लोग अकेले बाल नोच के ये सब करके, तो हम पोक्सो केस लगाए थे थाना में। हाँ, पोक्सो एक्ट लगाए थे, तो पोक्सो एक्ट में बेल नहीं मिलता है। हाँ, तो वो समझ गया कि हम ऐसे भी मरेंगे, हमको सजा होगा, हम फंस जाएंगे, बेल नहीं मिलेगा। सोचा इस लड़की को जान ही मार दो, अच्छा मौका, ना ये रहेगी ना केस बनेगा, और थाना वाला भी पैसा खा के दबाए हुआ था। मर्डर होने के बाद केस नहीं बनता है, मामला जब हाईलाइट होगा तो मैटर तो बन। इतना मारा कि उसको अभी तक वो पेट दर्द से ही होता है, खाना खाते है तो नहीं पचता है। अब वो अपार्टमेंट में गार्ड था, मार रहा था, वो गार्ड पूरा अपना शटर लगा लिया, सब अंदर घुस गया, कोई बचाने नहीं आया मेरा भाई को उस दिन। 21 तारीख का घटना है, 21 तारीख। और पिन मारता है मोहल्ला वाला कि इसके घर में थाना पुलिस आता है, ये लोग को क्यों रखे हैं घर में, यहाँ हुआ कल उनके साथ होगा। हमको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, मेरा बच्चा के ऊपर खतरा है, क्योंकि मेरा बच्चा है, वो सबको देखा है, उसको भी कुछ। अब मेरा छोटा भाई को धमकी मिल रहा है कि तुम जहाँ भी है वहाँ तुम पदार है ना, छोटू पदार वाला धमकी दे रहा है, तुमको देख लेंगे,
तुमको देख लेंगे, मेरा नाम क्यों डाला है केस में? कैसे धमकी दे रहा है? फोन करके धमकी दे रहा है छोटू पत्थर। कौन कौन आपने इसका शिकायत प्रशासन थाना को की है? थाना कोई गिरफ्तार नहीं ले रहा है, हम लोग का नहीं ले रहा है। हम लोग लड़का वाला है, हम लोग का नहीं ले रहा है। वो लोग ढेर पैसा दिया होगा, हम लोग नहीं ले रहा है। बोलता है महिला का पहले लेते हैं। जी हम लोग रेंट पे रहते हैं। घर कहाँ है आपका? घर हम लोग का मतलब मेरे नानी का घर है, न्यू मार्केट। कितने टाइम से ये विवाद चल रहा था? विवाद तो शादी के वो 3 महीना से ही ड्रामा करना चालू कर दी। आपसी तालमेल जानते हैं कि हमेशा मूवी में भी दिखाया जाता है कि आपसी तालमेल न होने पे बड़ा घटना हो जाता है, तो इस चीज़ को आप निपटा सकते थे, लेकिन निपटाने का कोई ऑप्शन नहीं। नहीं, निपटाने के लिए पंचायत हुआ था। एक बार पंचायत में गए थे तो बोलिया में तो वहाँ शेरी रखा था हमको मारने के लिए, तो वहाँ एक एडवोकेट अमित कुमार चौबे हैं, बहुत नामी जमींदार है, तो वो हमको बचा के अपने साथ बोले मेरे साथ आया, इसको कुछ छुएगा तो देख लेना, तो उसके बदौलत वो लोग हमको छोड़ दिया। मेरा ससुराल ग्राम बोलिया प्रखंड मनिहारी। मनिहारी की रहने वाली है आपकी वाइफ? नहीं, ग्राम बोलिया बागमारा। बागमारा की? हाँ, प्रखंड मनिहारी। एक्शन ले, हम लोग को प्रशासन एक्शन ले, अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया है। लाश पड़ा हुआ है घर में, अभी तक घर में क्या है, अभी तक प्रशासन एक्शन नहीं लिया है। हम आपको अंदर की ओर लेके चलते हैं जहाँ पे ये घटना हुई है। ये मुख्य दरवाजा है और कल दोपहर में जब घर खाली था तो बदमाश यहाँ पे घुसे, मारपीट किया और उसके साथ घटना को अंजाम दिया। जो सोना नाम की लड़की थी उसको बुरी तरह से मारपीट करने के बाद, मारने के बाद एक रूप दे दिया गया फांसी का और बताया गया कि फांसी लगा ली, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं है। आप अंदर की ओर आइए, आप देख सकते हैं ये जिनकी डेथ हुई है उनका बॉडी है, पोस्टमार्टम होने के बाद आया और अभी तक बॉडी को घर में ही रखा गया है ताकि इनके साथ कोई न्याय हो सके और प्रशासन एक्शन ले सके। फिलहाल घर पे एक भी प्रशासन के लोग नहीं है और ये शायद जिनकी मृत्यु हुई है उनकी माँ है। चाची, क्या घटना हुआ था कल? हम लोग SDO ऑफिस चले गए थे, हमारी बहू केस की थी, दो दो केस हम पर की थी। 21 तारीख को बहुत अपने बॉयफ्रेंड को बुला के बहुत सारा गुंडा को बुलाई थी, नामी नामी क्रिमिनल सब आया था, केशव छोटू पोद्दार कौन सब, वही लोग खुद अपना नाम बोल बोल के हमको डरा रहा था। हम ले बाबू तू लोग इतना बड़ा गुंडा, हम तो शरीफ आदमी है, मास्टर है, कमाते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं, किराया का घर में रहते हैं, शिक्षा मेरे पास है, शिक्षा बच्चा लोग को देते हैं बाबू घर में। इसमें ग्रिल को मेरा धक्का मार के घुस के मेरा बेटी को झोटा नोच करके 4-5 थप्पड़ मारा, खींच के टी शर्ट सब खींच लिया, किसी तरह से दरवाज़ा हम बंद किए। 21 तारीख को मेरा दूध वाला आया तो खींचा तो हम ताला लगा, मगर मेरा छोटा बेटा बाहर अकेले पड़ गया, 25-30 आदमी गोल में घेर करके बाहर में मारा। केशव को लोहा का सीरी में चोट लग गया, उस सिपरा सिंह के यहाँ जाके डिटोल लगवा के आया, बात में इंजुरी बनाया हॉस्पिटल जाके कि 9 गो मेरा टाका लगा। अब मेरा बच्चा जब आदमी सब घेर लिया था, हम बड़ा बेटा को भेजे राहुल को कि जा बेटा अपने पास आदमी नहीं है, तुम थाना जाओ, अप्लीकेशन दे दो बेटा नहीं तो कुछ हो जाएगा। मेरा बेटा 3 बार अप्लीकेशन लिखा, थाना प्रभारी नहीं लिया, बोला ऐसे नहीं ऐसे नहीं, फिर कोर्ट गया, कोर्ट से लिखा के लाया, तब तक यहाँ मेरे घर में मारपीट सब हो गया था। मेरा बेटा बड़ा बेटा के एब्सेंट में ही मारपीट सब हो गया। जब वो आया तब मेरा फिर छोटका बेटा लेके गया तो मेरा एप्लीकेशन लेके पीछे रख दिया और केशव का एप्लीकेशन पहले कर दिया, उसका 2 बजे का टाइम दे दिया, जबकि मेरा बच्चा सब 11 बजे से 10:30 बजे से दौड़ रहा था, नहीं लिया। हाँ, और सुनिए, अभी न 2 दिन पहले वो थाना प्रभारी पर लेडीज पुलिस आई थी, मम्मी को धमकी देके गई कि कल सुबह आप नहीं आइएगा तब हम आपको बताएंगे, उस सब का साजिश है, सब घर से निकल गया, बस मेरा मेरी बहन जब मैं 22 तारीख के पैसा भी लेकर गई, हम लोग से घूस लेके गई हम लोग का काम करने के लिए। 22 तारीख को जब मेरा बच्चा एप्लीकेशन लेके महिला थाना गई तो बोली कि यहाँ केस नहीं होता है लड़की का, पति पत्नी का होता है, तो बोली क्या, तो मेरी बेटी बोली कि क्या लड़की के लिए कोई सरकार ने प्रोटेक्शन दिया है, कुछ हम लोग के लिए नहीं है, तो नहीं यहाँ जब रेप होता है तब, तो बोला कि मैडम तो रेप होगा तब आए हैं, तुम्हारे साथ रेप नहीं ना हुआ है? मेरी बेटी को बोली तुम्हारे साथ रेप हुआ है? तो मेरी बेटी बोली तो मैडम रेप का इंतजार करेंगे, रेप होगा तब आएंगे। मेरी बेटी वहीं रोने, हाँ अब तो आप तो मर गई, आप काहे नहीं एक्शन ले रहा है सब? मामला बहुत संवेदनशील है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। होगा
दरोगा पैसे का डिमांड कर रहा था, लगता था कि मारा पीटा वो लोग हम लोग को और डिमांड पैसे का वो लोग कर रहा था। परिजनों के अनुसार, मृतक के परिजनों के अनुसार इस घटना में बहुत सारी साजिशें की गई है। इनका कहना है कि प्रशासन के लोगों के द्वारा मिलकर के हमारी बहन की हत्या की गई है और अभी तक किसी भी प्रकार से प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये कमरा है जिस कमरे में बॉडी था और ये जो फंदा लटका हुआ है अभी तक ऐसे ही लगा हुआ है और इसी में फंदा था। परिजनों के अनुसार बताया जा रहा है कि पैर लड़की का बेड पे था। अगर फांसी हैंगिंग होती है तो हमेशा पैर लटका हुआ रहेगा, तब जाके ऐसा होगा। हालांकि बॉडी पे कुछ स्पॉट्स भी पाए गए हैं, गले पे बहुत सारे स्पॉट्स, और वो शायद पढ़ाई कर रही थी। उनका जो डायरीज कॉपीज वगैरह है यहीं पे रखा हुआ है और बताया जा रहा है कि इसी रूम से मारते मारते लोग पीछे की ओर, ये किचन है और किचन में भी इनको इनके साथ मारपीट की गई। काफी ज्यादा संवेदनशील मामला है। इस मामले में जितने भी कटिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इनके परिजनों को प्रोटेक्शन दी जाए, साथ ही साथ न्याय की समुचित व्यवस्था की जाए और इंसाफ दी जाए। जब तालमेल गड़बड़ होता है तो हमेशा ऐसी घटनाएं होती है और बड़ा रूप ले लेती है। ऐसे में ये घटना कटिहार में लगातार बढ़ते ही चली जा रही है। पिछले साल दो साल में बहुत ऐसी घटनाएं हुई है कटिहार में जो कटिहार को नहीं पूरे बिहार को झकझोर के रख दिया है। ये इस मामले में प्रशासन से हमारा निवेदन है कि क्विक एक्शन ले और जो अपराधी है उनको गिरफ्तार करे और मृतक के परिजनों को न्याय दिलवाए।